हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 25 फरवरी 2019 की प्रीलिम्स और रिटर्न सीरीज में आपका स्वागत है। आज एक्चुअली मैं कहीं गया हुआ था, तो इस वजह से डिस्कशन काफी लेट है, वो हो गई है, तो सॉरी फॉर डिले। तो आज का पहले जल्दी से हम क्वेश्चन है वो देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन आज का है वो है इंडस वाटर ट्रीटी को लेके है। इंडस वाटर ट्रीटी को लेके हमें स्टेटमेंट दिए गए और हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है वो आइडेंटिफाई करना है। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इस ट्रीटी में रावी, चेनाब और व्यास नदी का पानी है वो इंडिया को एलोकेट किया गया है यूज के लिए। मतलब रावी, चेनाब और व्यास रिवर का पानी इंडिया यूज है वो करेगा। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि ये जो ट्रीटी है, जो संधि की गई थी, इसमें कोई भी एक देश है वो एक तरफ का एग्रीमेंट करके बाहर निकलने का कोई प्रावधान नहीं किया गया। मतलब दोनों को एक साथ आपस में एग्रीमेंट करके बाहर निकल सकते हैं, कोई सिंगल कंट्री है दोनों में से, ऐसा नहीं कि वो एक तरफा समझौता कर लेगी और फिर वो बाहर निकल जाए। ये यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है। अब हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। तो देखो, हम यहाँ पे बात करें, पहला स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें पता है कि सिंधु रिवर है उसका पानी और इसी के साथ ही जेहलम और चेनाब, इन तीन रिवर का पानी पाकिस्तान को दिया गया है, और रावी, व्यास और सतलज, इन तीनों का पानी है वो इंडिया को दिया गया है। ये इसके बारे में हमने काफी बार पहले भी डिस्कस किया है कि जो ऊपर की तीन नदियां हैं जिन्हें हम बेसिकली जानते हैं, इंडस, चेनाब और झेलम, इसका तो जो लगभग 80% पानी है वो पाकिस्तान यूज करेगा, और बाकी जो व्यास, रावी और सतलज हैं इनका 80% जो मैक्सिमम पानी है वो इंडिया यूज करेगा। इस तरीके का इसमें प्रावधान किए गए हैं। ये जो ट्रीटी है वो वर्ल्ड बैंक के सानिध्य में हुई थी। ये आपको पता है कि इसको लेकर काफी नेगोशिएशन वगैरह हुई थी, और ये मैली 1960 में हुई थी। उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे उनके बीच में, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे अयूब खान। तो उन दोनों के बीच में ये ट्रीटी है, सिर्फ पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे अयूब खान, उन दोनों के बीच में ट्रीटी है वो हुई थी। अब देखो, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। हम देखते हैं कि सॉरी, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। क्यों सही है? क्योंकि देखो, इस ट्रीटी का जो लॉ है, 11th लॉ है, सॉरी 12th जो लॉ है, इसमें ये कहा गया है कि कोई भी अगर कंट्री से बाहर निकलना चाहते तो दोनों कंट्रीज के बीच में आपस में समझौता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक कंट्री पर मनमर्जी से कोई भी समझौता कर ले और फिर आप दूसरे पे उसको थोप दे, ऐसा नहीं है। दोनों ही सरकारों को आपस में संधि है, जो ट्रीटी है उसको रिकॉग्नाइज करना होगा, और उसके बाद ही समाप्त है वो किया जा सकता है। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सियोल पीस प्राइज को लेके। इस बार काफी न्यूज में था, इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो क्वेश्चन ये है कि सियोल पीस प्राइज को लेके पहला स्टेटमेंट दिया गया कि है बाई एनुअली, मतलब 2 साल में एक बार है ये प्राइज है वो दिया जाता है, और इसके साथ ही कहा जाता है कि जो कोरिया के पीपल हैं उनके द्वारा वर्ल्ड में शांति स्थापित करने के लिए अवार्ड है वो मेनली दिया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे ये कहा गया है कि जो 24वां जो ओलंपिक गेम आयोजित हुए थे कोरिया में, जो कि सियोल वहां पे गए, वहां पे उसके उपलक्ष्य में ही बेसिकली इस प्राइस की स्टार्टिंग है, इसकी शुरुआत है वो की गई थी। अब हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, तो आप देखिए कि दोनों में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा। देखो, यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। जो 24वां ओलंपिक गेम हुआ था वो रिपब्लिक ऑफ कोरिया के सियोल नाम की सिटी में हुआ था, और उसके बाद जब वो सक्सेसफुली शांति पीसफुल ढंग से आयोजित हो चुका था, तो उसके बाद में ही सियोल पीस प्राइज की स्टार्टिंग है वो की गई थी। इस बार ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री को इस अवार्ड से नवाजा है हो गया है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो हमें पता होना चाहिए कि यह अवार्ड है वो 2 साल में एक बार दिया जाता है, और 24वें ओलंपिक गेम के बाद इसकी स्टार्टिंग है वो की गई थी, क्योंकि इंडिया के प्रधानमंत्री को अगर ये अवार्ड मिला है तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट तो है ही, तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में, यानी FATF। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है कि FATF है वो UN की जो 15 स्पेशलाइज एजेंसी है ना, उनमें से एक है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है कि फाइनेंशियल एक्शन जो टास्क फोर्स है उसने पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट कैटेगरी में डाला गया है, इस साल रिसेंटली न्यूज में आई। करेक्ट स्टेटमेंट की देखो हम बात करें यहाँ पे, पहला स्टेटमेंट भी साफ साफ गलत है, दूसरा भी साफ साफ गलत है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को उसने ब्लैकलिस्ट नहीं, ग्रे लिस्ट है वो, ये ध्यान रखनी है, ब्लैक लिस्ट है ही नहीं, इसमें ग्रे लिस्ट की बात की गई है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान टेरर फंडिंग करता है, इसलिए पाकिस्तान को इसमें ग्रे लिस्ट में डाला गया है, और यह है एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेन बॉडी है, ये आपको ध्यान में रखना है, ना कि है कोई एक तरीके से, ये इफेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि है एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, कोई यूएन की स्पेशल एजेंसी नहीं है। 1989 में इसको बनाया गया था, तो हमें इसका मोटो पता होना चाहिए कि जो टेरर फंडिंग जो कंट्रीज करती है उनको ग्रे लिस्ट में इसके द्वारा डाला जाता है। पहले यह मनी लॉन्ड्रिंग के लिए काम करती थी, इसके बाद में इसमें जो टेरर फंडिंग वगैरह होती है, फाइनेंशियल सपोर्ट, इस तरीके के जो इलीगल कामों में, उसके लिए भी इसने लिस्ट है वो तैयार की थी, तो ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो आया है यहाँ पे RUCO इनिशिएटिव के बारे में, यानी कि रीपर्पज कुकिंग ऑयल इनिशिएटिव को लेकर। पहला स्टेटमेंट ये दिया गया है कि इसका मेन मोटो ये है कि जो यूज्ड जो कुकिंग ऑयल है इसको बायोफ्यूल में कन्वर्ट कर दिया जाए। दूसरा स्टेटमेंट ये है
कि इसे FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है इस इनिशिएटिव को। देखो यहाँ पे हम बात करें तो दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट है वो सही हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली FSSAI के द्वारा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है और देहरादून की जो यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा ये जो इंस्टीट्यूट है देहरादून का वो पता है कि जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम है उसके द्वारा भी एक इनिशिएटिव मतलब एक्सपेरिमेंट किया गया था, वो सक्सेसफुल भी रहा है। उसमें ये प्रावधान किया गया है कि देखो जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं जिनमें आपको पता है कि जो चीज़ें फ्राई वगैरह की जाती हैं तो लास्ट में जो तेल बच जाता है फ्राई करने के बाद, तो जो यूज्ड ऑयल है इसको बायोफ्यूल में कन्वर्ट है वो किया जाएगा, ताकि वो तेल है वो वेस्ट भी ना हो और उसका हम एनर्जी सेक्टर में यूज है वो कर सकें। तो बायोफ्यूल में कन्वर्ट करने के लिए इसका यूज है वो किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना कि FSSAI के द्वारा इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया है, रीपर्पज कुकिंग ऑयल इनिशिएटिव। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है आई एम टेको मोबाइल एप्लीकेशन। तो एम टेको जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो मेनली जो मैटरनल हेल्थ है इसको इम्प्रूव करने के लिए स्टार्ट किया गया है। ये आपको बताना है कि कौन से स्टेट का है ये। देखो ये मेनली है गुजरात स्टेट का है, ये आपको इस तरह इतना ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि गुजरात के द्वारा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया जिसमें मैटरनल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए आई एम टेको मोबाइल एप्लीकेशन स्टार्ट है वो किया गया। छोटा सा फैक्ट था, मे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, स्टेट स्पेसिफिक है, बट कई बार यूपीएससी ऐसे फैक्ट है वो पूछ लेती है। मोमन ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है, आप ढंग से पढ़ना इस क्वेश्चन को, इसका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर प्रोवाइड करना, अदरवाइज कल हम इसको अलग से डिस्कस है वो करेंगे, काफी ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन जाता है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे ये दिया गया है कि दो जो रिकॉग्नाइज जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके सिंबल हैं वो सेम नहीं हो सकते, ये कह रहा है कि नो टू रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज कैन हैव द सेम सिंबल। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि ए पार्टी दैट लूजेज इट्स रिकॉग्नाइजेशन एज ए स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी इट्स सिंबल इमीडिएटली है वो लूज हो जाएगा। तो ये आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट है वो सही है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस बार आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया न्यूज में भी रहा है, तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है वो बढ़ जाती है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट है वो सही है। अब आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है वह है ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड को लेकर। ये आपको ध्यान में रखना कि ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड है वो HRD मिनिस्ट्री का एक इनिशिएटिव है। अभी इसमें देखो प्रावधान ही किया गया है, अमूमन देखो जो स्कूल होती है उसमें जो ब्लैक बोर्ड यूज किया जाता है। अब ब्लैक बोर्ड में दिक्कत क्या है कि जैसे कि एक तो कलरफुल चीजें हम ज्यादा यूज नहीं कर सकते, मतलब हम कलरफुल चौक वगैरह हैं इनका यूज नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं थोड़ा समझाने में बच्चों को अट्रैक्ट करने में वो कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे रह जाता है। इसीलिए नए डिजिटल इंडिया की तरफ अगर हम अग्रसर हो तो यहाँ पे डिजिटल बोर्ड की बात है वो की जा रही है। इसमें होगा क्या, जिस तरीके से देखो क्लासरूम में प्रोजेक्ट का यूज किया जाता है उसी तरीके से डिजिटल बोर्ड भी आते हैं जिनमें कलरफुल होते हैं, तो उनसे बच्चों को कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करने में काफ़ी इजीली या सहूलियत भी रहेगी। और उसी इनिशिएटिव को आगे लाने के लिए ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड है वो स्टार्ट किया गया है HRD मिनिस्ट्री का। इसमें यह प्रावधान किया गया कि लगभग आगे आने वाले 3 साल में 7 लाख जो क्लासरूम है 9th, 10th और 11th क्लास के, लगभग 2 लाख क्लासरूम कॉलेजों के होंगे टोटल, इन सब को डिजिटल है वो किया जाएगा। मतलब वहां पे ब्लैक बोर्ड की जगह है वो डिजिटल बोर्ड है वो लगाए जाएंगे और वहां पे टीचिंग है वो करवाई जाएगी। तो ये इनिशिएटिव आपको ध्यान में रखना है कि डिजिटल एजुकेशन है स्कूल में उसको प्रमोट करने के लिए इनिशिएटिव है वो स्टार्ट है वो किया गया है, और इसको जो इंप्लीमेंट करने की बात है वो यहाँ पे UGC करेगी। UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है वो इसको इंप्लीमेंट है वो करने वाली है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। तो ये इफेक्ट हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो हो जाते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है होप पोर्टल को लेके। होप की फुल फॉर्म है यहाँ पे हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन प्लेटफॉर्म फॉर एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन। देखो थोड़ा नाम से समझ में आ गया होगा आपको कि हेल्थ केयर जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी जो एंट्री लेवल का जो सर्टिफिकेशन उनको मिलता है सर्टिफाइड वगैरह आप वेरिफिकेशन होता है उसके लिए है एक प्लेटफॉर्म है एक पोर्टल है वो स्टार्ट किया गया है। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है यह इंपॉर्टेंट है, नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन यानी NABH है उसके द्वारा होप पोर्टल की स्टार्टिंग इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। इसमें होगा क्या, इस पोर्टल में जो हॉस्पिटल्स वगैरह होंगे या फिर जो हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन होगी उनके लिए जो कुछ गाइडलाइंस वगैरह होती है जो उन्हें फुलफिल करनी होती है उनको सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। देखो जिस तरीके से अगर कोई भी पर्सन अपना हॉस्पिटल खोलना चाहता है तो उसको कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी होती है, उसको सर्टिफिकेट या लाइसेंस वगैरह लेने होते हैं, तो उन सब काम के लिए जो एक्रीडेशन बोर्ड है जो कि मान्यता देता है उसका नाम है NABH। तो उसने अभी एक ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट किया है ताकि यहाँ पे डिजिटल तरीके से फास्ट तरीके से यूजर फ्रेंडली जो सर्टिफिकेशन की प्रोसीजर है एंट्री लेवल की वो जल्दी से कंप्लीट हो जाए, उनको ज्यादा चक्कर वगैरह नहीं काटने पड़े। तो इसमें जो हमारे देश के हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन हो गए चाहे नेशनल लेवल की बात करें चाहे स्टेट लेवल की, उन सब को एक तरीके से काफी इजीली काम है वो यहाँ पे हो जाएगा, मतलब उनको सर्टिफिकेशन वगैरह इजीली मिल जाएंगे ताकि उनको इधर उधर भागने की जरूरत है वो नहीं होगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वह है वेस्ट टू वंडर पार्क। देखो यह जो वेस्ट टू वंडर पार्क है यह साउथ दिल्ली में अभी स्टार्ट है वो क्या गया है क्या इस पार्क में वो हम देखते हैं।
इसमें जो वेस्टेज जो कचरा होता है उससे एक्चुअली जो थीम है वो बनेगी है। आपको पता है कि दुनिया के जो 7 अजूबे हैं उनकी यहाँ पे थीम है, उनको वो बनाएगी है कचरे से। जिस तरीके से जो पुराने बेंच होती हैं, टेबल वगैरह होगी, या फिर जो स्क्रैप मटेरियल हो गया, टाइपराइटर हो गया, नट बोल्ट हो गए, साइकिल की जो रिम वगैरह होगी, मेटल सीट होगी, जो पुर्जे मतलब जो बेकार का जो रद्दी कचरा जिसे हम बोल सकते हैं, लोहे का जो भी कुछ भी कचरा आप मान सकते हो जिसका कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं, तो उस कचरे को मिला के यहाँ पे आकृति है वो बनेगी है। कहाँ पे? दिल्ली के अंदर ही है, स्टार्ट हो किया गया है। अब देखो एक तरीके का म्यूजियम टाइप का सा बना दिया गया, तो यहाँ पे टूरिस्ट आएंगे तो उससे कुछ ना कुछ इनकम है वो हासिल की जाएगी। तो एक तरीके से वेस्ट टू वंडर पार्क है, ये स्टार्टिंग कहाँ पे की गई है? दिल्ली में। तो यह ध्यान में रखना है कि है क्या ये। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो यहाँ पे आया है फर्नांडिना गेन टोर्टोइज के बारे में। देखो जो फर्नांडिना जो एक स्पीसीज है कछुए की, वो भी डिस्कवर है, वो की गई है। एक्चुअली ये पहले भी थी बट काफी टाइम से पता चल रहा था कि ये स्पीसीज है वो समाप्त है, लुप्त है, वो हो चुकी थी, बट 40 सालों बाद इसको डिस्कवर किया गया है। ये अभी तक का सबसे बड़ा गेन टोर्टोइज है वो माना जा रहा है। इसका नाम यहाँ पे दिया गया वो है चेनोडोइस फेंटेस्टिक्स। तो ये तो नाम अगर तो यूपीएससी नहीं पूछती है, बट एक बार आपको पता होना चाहिए है कहाँ पे। अब देखो ये जो डिस्कवर या ये जो वापस खोजा गया है, ये घोसा गया है यहाँ पे भी गेला पागोस में। अब ये गेला पागोस आइलैंड है कहाँ पे, ये थोड़ा हम देखते हैं। ये इफेक्ट यहाँ पे यूपीएससी एक थ्रू मैपिंग वगैरह में पूछ सकती है। देखो जो प्रशांत महासागर में आपको बताया कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, और उसमें क्या है कि छोटे छोटे आइलैंड जैसी कंट्रीज हैं वो बनी हुई है, जैसे किसी इंडोनेशिया वो क्या है छोटे छोटे आइलैंड के रूप में कंट्री है, तो वैसे ही वहां पे गैलापागोस आइलैंड है जो कि छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर कंट्री है, कि आप यहाँ पे देख सकते हो पैसिफिक ओशियन में। ये आपको बताना चाहिए एक तरीके से जो वोल्केनो जो आर्कियोलॉजी थी उन्हीं का ये एक पार्ट है। वोल्केनिक आर्कियोलॉजी का मतलब क्या होता है कि जो वोल्केनो की एक्टिविटी जो छोटे छोटे आइलैंड बन जाते हैं जैसे शेप में, उनको एक्चुअली यहाँ पे आर्कियोपीलियो के नाम से है वो जाना जाता है। तो ये पैसिफिक ओशियन में है, और ये जो गैलापागोस जो आइलैंड है ना, यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ डेंसिटी हम बात करें बायोडाइवर्सिटी वो काफ़ी अच्छी है, मतलब ये वर्ल्ड में काफ़ी फेमस भी है इस चीज़ के लिए डेस्टिनेशन के तौर पे कि यहाँ पे वाइल्ड लाइफ वो काफ़ी अच्छा है। तो देखो हुआ क्या था कि काफ़ी टाइम पहले वहाँ पे जो वोल्केनिक एक्टिविटीज होती रहती हैं, तो उस दौरान जो कछुए की जो स्पेसीज थी ये भी जो रिसेंटली में डिस्कस की फर्नांडिना, ये एक्चुअली लुप्त मानी गई थी कि भाई ये वहाँ पे खत्म है वो हो गई है, बट अभी इसको वापस वहाँ पे डिस्कवर है वो किया गया है। तो ये लगभग 1000 किलोमीटर स्क्वायर का कोस्टल एरिया, ये तो देखो फेक तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इक्वेटर पे है ऑब्वियसली, ये पता होना चाहिए कि हाँ भाई इक्वेटर इसको क्रॉस है वो करता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी की बार है वो पूछ लेती है, लोकेशन हमने डिस्कस कर ली। तो देखो जो गैलापागोस आइलैंड है ना, इसी के अंदर छोटे छोटे आइलैंड्स और भी हैं, और वहीं पे इसको डिस्कवर है वो किया गया है। तो यह ध्यान में रखना है, आईयूसीएन में इसे बेसिकली या तो क्रिटिकली इंडेंजर लिस्ट में शामिल किया गया था, या पहले इस बात की जाएगी भाई एक्सटिंक्स या लुप्त है वो हो चुका है, बट अभी से क्रिटिकली इंडेंजर में वापस डाल दिया गया, क्योंकि एक्सटिंक्स का मतलब होता है लुप्त, तो लुप्त तो अभी हुआ ही नहीं है, वापस हमें डिस्कवर है वो किया गया है। बाकी देखो कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें कि भाई वहाँ पे लावा वगैरह जो वोल्केनिक एक्टिविटीज हुई थी तो उस दौरान इसका जो नेचुरल हैबिटेट है वो खत्म हो गया था, ये सारे है वो तरह से डिस्ट्रॉय है वगैरह वगैरह हो गए थे। ये आप फेक देखना छोटा सा मे भी कि वहाँ पे ला कुम्ब्रे वर्ल्ड का सबसे मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है, ये आपको ध्यान में रखना है। ला कुम्ब्रे ये ध्यान रखना कि ला कुम्ब्रे जो वोल्केनो है वो वर्ल्ड का मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है, जो कि यहीं पे फर्नांडिना वाले इस आइलैंड में है, सॉरी जो गैलापागोस आइलैंड है यहाँ पे ही है। तो ये छोटा सा फैक्ट है जिसके बारे में यूपीएससी में भी पूछ सकती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है पडियानी के बारे में। क्या है पडियानी? देखो एक रिचुअल आर्ट है, एक फोक डांस है। कहाँ का है? यह है केरला का। बस इतना ही फैक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि मेनली भद्रकाली टेम्पल में परफॉर्म है वो किया जाता है। तो यह ध्यान में रखना है कि इसका मेन मोटो क्या है, मतलब है कहाँ का, सॉरी यूपीएससी पूछ सकती है कि केरल का है, तमिलनाडु का, कहाँ का। ध्यान रखना कि पडियानी है वो एक रिचुअल आर्ट फोक डांस है जो कि भद्रकाली टेम्पल में परफॉर्म किया जाता है केरला में, और यह मेनली जो डांस किया जाता है इसका मेन मोटिव होता है कि जो समाज में जो बुराई है उनको खत्म किया जाए, इसके साथ ही अच्छी बारिश हो, अच्छी फसल हो, सुख समृद्धि हो, इसके लिए मेनली मनोकामना के लिए डांस है वो किया जाता है, मतलब भगवान को खुश करने के लिए। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वह है स्टेट रैंकिंग ऑन स्टार्टअप इनिशिएटिव। देखो हमारे देश में काफी सारे स्टार्टअप्स हैं वो स्टार्ट हुए हैं काफी टाइम से, और सभी स्टेटों कुछ ना कुछ प्रयास कर रहे हैं, तो इसीलिए कौन से स्टेट ने कैसा काम किया है, वहाँ पे जो स्टार्टअप हुए हैं उनका इनिशिएटिव कैसा रहा है, स्टेट का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, इस आधार पे हमारे देश की जो कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम अभी चेंज किया गया था, पहले तो उसका नाम था DIPP यानी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, बट अब उसका नाम चेंज कर दिया गया डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो इसके द्वारा अभी इसका सेकंड एडिशन है वो आयोजित किया गया कि भाई रैंकिंग जारी की जाएगी कि जो स्टार्टअप इनिशिएटिव है वो किस तरीके के हमारे देश में चल रहे हैं यूनियन टेरेटरी स्टेट्स वगैरह में।
तो जो 7 पैरामीटर दिए गए हैं, जैसे कि इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट कैसा है, सिंप्लीफाइंग रेगुलेशन कैसे हैं, इजी पब्लिक प्रोक्योरमेंट, इसके साथ ही इंक्यूबेशन सपोर्ट हुआ, सीड फंडिंग सपोर्ट हुआ, वेंचर फंडिंग सपोर्ट हुआ, इसके साथ ही अवेयरनेस एंड जो आउटरीच रिलेटेड एक्टिविटीज हुई, तो ये तो वो मेंस के पॉइंट हो जाते हैं, बट प्रीलिम्स के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है किसके द्वारा स्टेट सेंकिंग और स्टार्टअप मिनिस्टर स्टार्ट किया गया। यूपीएससी पूछ बोल सकते हैं कि नीति आयोग का है कि इनिशिएटिव है, तो नहीं भाई, नीति आयोग का तो यहाँ कोई लेना देना ही नहीं है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है सर्वाइकल कैंसर इन इंडिया। देखो सर्वाइकल है वो मेनली वुमेन बॉडी का एक पार्ट होता है, जो वुमेन बॉडी में जो यूट्रस और जो वेजाइना होता है उसके बीच का जो पार्ट होता है उसको सर्वाइकल के नाम से जाना जाता है, सर्विक्स सॉरी, और उसी सर्विक्स में जो कैंसर होता है उसको सर्वाइकल कैंसर के नाम से जाना जाता है। तो यह ध्यान रखना आपको कि वुमेन में सबसे ज्यादा जो कैंसर होता है वो तो होता है ब्रेस्ट कैंसर, दूसरे नंबर पे होता है सबसे ज्यादा कैंसर वुमेन में वो होता है सर्वाइकल कैंसर। तो अभी एक रिपोर्ट आई है किसकी, लैंसेट, ये आपको ध्यान में रखना है, काफी अच्छी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है इसकी, लैंसेट ऑन्कोलॉजी रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि बगैर इंडिया सही ढंग से स्टेप उठाए तो लगभग 2079 तक जो सर्वाइकल कैंसर है इसको इंडिया एलिमिनेट कर सकता है, तो यह फैक्ट ध्यान में रखना है। अब ये सर्वाइकल कैंसर है वो कौन से वायरस की वजह से होता है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है, HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, इसकी वजह से ही सर्वाइकल कैंसर होता है, जो कि वर्ल्ड में सेकंड कॉमन कैंसर होता है। आपको ध्यान में सबसे ज्यादा जो वर्ल्ड में कैंसर होता है ब्रेस्ट कैंसर, सेकंड नंबर पे होता है सर्वाइकल, तो यह यूपीएससी इसके बारे में भी पूछ सकती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल हुआ है हायाबुसा 2 के बारे में, देखो जो हायाबुसा बाइक है वो नहीं है, ये एक्चुअली जापान की जो स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा है उसने अभी अपना नया प्रोब या हम बोल सकते हैं कि नया स्पेसयान भेजने की बात को लेके भी न्यूज में आया है, जिसका नाम रखा है हायाबुसा 2। अब हायाबुसा 2 है वो एक्चुअली सक्सेसफुली लैंड कर गया है कहाँ पे, एस्टेरॉयड रियोगो में, ये आपको बस इतना थोड़ा सा फैक्ट देख लेना। जो यूपीएससी ज्यादा देखो वैसे तो इंडिया का मिशन है नहीं तो ज्यादा चांसेस नहीं बनते यूपीएससी पूछे, बस ये पता होना चाहिए कि हायाबुसा है वो जापान की स्पेस एजेंसी यानी कि जाक्सा का एक इनिशिएटिव है, जो कि अभी एक एस्टेरॉयड है जिसका नाम है रोयगु, जो कि अर्थ से लगभग 300 मिलियन किलोमीटर दूर है, वहां पे लैंड कर चुका है और ये वहां पे जाके सैंपल वगैरह लेके वापस आने की वगैरह की बात है। इससे पहले देखो हायाबुसा 1 लॉन्च किया गया था जापान के द्वारा 2005 में और वो एक्चुअली वहां पे सक्सेसफुली उसने सैंपल कलेक्ट किए थे जिस एस्टेरॉयड से, उसका नाम था इटोकावा। तो जो एस्टेरॉयड था स्पेस में इटोकावा, वहां से उसने 2005 में सैंपल कलेक्ट किए, 2010 में वापस इंडिया में आ गया, फिर उस पर स्टडी वगैरह की गई थी और अभी उसने नया अपना मिशन है वो लॉन्च किया जिसका नाम है हायाबुसा 2, तो वो जा रहा है रियोग्यू पे, तो ये इसको न्यूज है वो आई है। तो देखो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है। जो PDF है वो आपको टेलीग्राम का जो चैनल है वेलकम UPSC वहां से आपको मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड है वो कर सकते हो। तो फिलहाल इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।